नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार आज आप सबके सामने एक स्वास्थ्य के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूँ। और ये विषय है विटामिन डी या विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी के बारे में मैं कुछ बातें जो बताऊंगा आपको, सबसे पहले तो विटामिन डी है क्या, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में, क्या महत्व है हम सबके लिए स्वास्थ्य के संबंध में, फिर विटामिन डी की डिफिशियंसी, उसकी कमी से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं, किन बीमारियों के खतरे ज़्यादा हो सकते हैं, फिर कमी का पता कैसे चलेगा, किन लोगों में कमी ज़्यादा मिलेगी, उसको कैसे हम डायग्नोस करेंगे, और डायग्नोस करने के बाद उसका पता चलने के बाद उसका इलाज कैसे होता है और क्या होता है, और उससे जुड़ी कुछ जो भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, मैं उसे भी जो है दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी जो है, कहने को हम इसे विटामिन बोलते हैं और विटामिन के ग्रुप में इसको रखा जाता है, बट असल में विटामिन डी एक हार्मोन है, एक अंतःस्रावी केमिकल है, हार्मोन की तरह एक्ट करता है, जो कि बहुत सारे फंक्शन हमारे जो शरीर में है उसे रेगुलेट करता है, जिसमें सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम और हड्डियों के बनने में इसका जो रोल है, तो हड्डियों के बनने में विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर जिन भी लोगों में विटामिन डी की कमी है, जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें रिकेट्स नाम का मर्ज हो जाता है, जिसमें कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी बनती हैं, हड्डियों में बहुत से विकार, बहुत से जो है मेलफॉर्मेशंस मिलने लगते हैं। और अगर बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है किन्हीं भी वजहों से, तो उनमें जो है ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी मिलती है, जो कि जिसका मतलब होता है हड्डियों का मुलायम हो जाना, हड्डियां जो है मुलायम सी हो जाती हैं, जिससे कि वो जल्दी ही उनमें टूट सकती हैं या और भी उनमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा काम है शरीर में हड्डियों के बनने में है। और क्योंकि विटामिन डी एक हार्मोन होता है जो कि कैल्शियम, फॉस्फेट और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको शरीर में कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, कैसे उन किडनी से उनको रीअब्जॉर्ब किया जाए, कैसे सीक्रेट होते हैं ना, उनको कहाँ से ब्लड में पहुंचाना है, कैसे हड्डियों के में ले जाना है, डिपोजिशन कैसे कराना है, ये सब चीज़ें जो है विटामिन डी की वजह से रेगुलेट होती हैं। और हार्मोन ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके ज़रा सी अमाउंट से बहुत सारा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और ज़रा सी अगर डिफिशियंसी भी हो जाए या एक्सेस भी हो जाए तो उसका हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं बड़े ही जादुई होते हैं, मैजिकल होते हैं, जिनकी थोड़ी सी चीज़ भी जो है कमी और या अधिकता जो है एक बड़ा फर्क जो है ला सकती है आपके शरीर में। तो विटामिन डी एक हार्मोन है, कैसे बनता है शरीर में, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये खाने पीने में भी हमें मिलता है, इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, D2, D3 जो मेन फॉर्म्स होते हैं उसमें कुछ जो है सब्जियों में मिलते हैं, साग सब्जियों में हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, और कुछ जो है हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। बाकी जो मेन सोर्स होता है हमारा विटामिन डी का, वो होता है हमारे शरीर में जो सूर्य की प्रकाश, सनलाइट से जो विटामिन डी बनता है, हमारे शरीर के जो स्किन होती है, शरीर है, चमड़ा है, चमड़ी है, उसके जो ऊपरी सतह है, सरफेस लेयर्स हैं, उसमें एक 7-dehydrocholesterol नाम का सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जो कि सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में परिवर्तित होके आगे धीरे 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 प्रोसेस करके विटामिन डी अंत में बनता है। स्किन से ये बन के फिर लिवर में, लंग्स में, लिवर में, किडनी में जाता है, जहां जहां एक स्टेप वाइज ये विटामिन डी का जो हमारा फंक्शनल फॉर्म होता है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। तो और सबसे जरूरी बात है कि जो फंक्शनल फॉर्म है विटामिन डी का, जो किडनी में बनता है जाके, उसके बाद ही ये किसी भी काम के लायक होता है, फंक्शनल होता है, उसके पहले तक ये किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता शरीर में। तो इसीलिए इसमें सनलाइट आवश्यक है, सनलाइट का होना, शरीर पे पड़ना वो आवश्यक है, फिर उसके बाद आपके शरीर में लंग्स, लिवर, किडनी यानी फेफड़े
और लिवर का और गुर्दों का, इनका भी सही काम करना ज़रूरी है। जिन लोगों में भी इन अंगों में कोई भी परेशानी होती होगी, उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब आते हैं इस चीज़ पे कि सनलाइट, जो सूर्य की रोशनी है, वो कितनी और किस समय की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं ये बता दूं कि जो सुबह 10 बजे से लेके और दोपहर 1 बजे तक के बीच में जो सूर्य से रोशनी निकलती है, यूवी अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं विटामिन डी बनाने के लिए। और उसका 10 मिनट का भी जो आपका एक्सपोजर होता है सनलाइट का उस समय, वो बहुत काफ़ी है आपके शरीर में विटामिन डी की सिंथेसिस करने के लिए। तो बात ये है। अब हम आते हैं इसकी कमी पे, कमी कैसे हो जाती है। कुछ तो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी का हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, रेजिस्टेंस जिसमें हो जाता है, इसको कहते हैं, वो होती हैं। तो वो तो अलग चीज़ें हैं, उनके अलग इलाज और अलग उपाय हैं। पर जो नॉर्मल हमें बाकी समाज में, सोसाइटी में, लोगों में कॉमनली देखने को मिलती है विटामिन डी डिफिशियंसी, वो सिर्फ खाने पीने में की कमियों से और सूर्य की प्रकाश प्रॉपर नहीं मिल पाता, उस वजह से होती हैं। और आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि सभी को जो प्रॉपर है सनलाइट, कोई भी एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। सब अधिकतर घरों के अंदर काम करते हैं और नहीं एक्सपोजर, बाहर निकलते भी हैं तो शरीर को आदमी ढक के निकलता है। और कौन से जो जो कुछ जैसे औरतें हैं जो भी ज़्यादा अगर शरीर जिन्होंने ढका रखा है, या बहुत से जैसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें घर से नहीं निकाला जाता, आदमी वृद्ध हैं, वो लोग जो हैं विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए ज़्यादा जो है रिस्क पे हैं। या जिन्हें शरीर में कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि लिवर की, किडनी की, उनमें इनकी दिक्कत हो सकती है, डिफिशियंसी। अब आते हैं विटामिन डी का मेन जैसे रोल, हमने मैंने तो बताया कि हड्डियों के बनने में बहुत महत्वपूर्ण है, बट उसके साथ साथ और भी बहुत से ऑर्गन्स में, अंगों में, चीज़ों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटे छोटे स्टेप्स में इसकी रोल बहुत है। तो किन बीमारियों में इसकी जो है दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि इसकी कमी से जो डायरेक्ट बीमारियां हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये हो सकती हैं जिनकी वजह से हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। पर ऐसी बहुत सी बीमारियां और भी हैं जिनमें इसका एक जो कहते हैं कि एसोसिएटेड है, जिनकी वजह से, जिसकी कमी से इसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, और स्ट्रोक, सीवीए है, जिसमें ब्रेन हैमरेज हम कह सकते हैं, ब्रेन इंफार्क्ट है, इस सब बहुत सी और भी ऐसी बीमारियां हैं। और बहुत से रिसर्च अभी चल रहे हैं इसमें, जो ये पता लगा रहे हैं कि विटामिन डी का रोल क्या है, उसकी डिफिशियंसी इन और बीमारियों में क्या, कितना महत्व रखती है, और उसको अगर हम किसी को विटामिन डी की कमी पूरी करते हैं तो उन बीमारियों पे क्या असर पड़ता है, ये चीज़ें हैं। और बहुत से रिसर्च तो इस बात को मान चुके हैं, अब तक इस बात को मान चुके हैं कि विटामिन डी का रोल बहुत ज़रूरी है इन सब बीमारियों में। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या होती है, कब होती है, और कैसे उसका पता लगा सकते हैं। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है, उसके लक्षण क्या हैं सबसे पहले। तो उसका मोटा मोटा जो लक्षण हम देखेंगे मरीजों में, हड्डियों में बोन पेन होता है, बोनी पेन है, मस्कुलोस्केलेटल पेन से, यानी मांसपेशियों में, हड्डियों में एक डल एकिंग सा दर्द हमेशा आपको महसूस होता रहेगा कि मेरे पैरों में एक, जिसको आप स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे किसी एक जगह पे हो रहा है, पैरों में, हाथों में, हर जगह एक टूटन सी जो है बनी रहेगी, हड्डियों में दर्द रहता है, फटीग है, थकान बनी रहेगी, काम करने में मन नहीं लगता है, ये सब चीज़ें मेन, ये इसके जो है आपको लक्षण विटामिन डी के होते हैं। और ऐसे ही लक्षण बहुत ही कॉमन है और भी बीमारियों में हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की डिफिशियंसी जो कि बहुत कॉमन है, स्पेशली हम इंडियंस में, पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है डिफिशियंसी। अगर आप किसी को भी अभी टेस्ट करा के देख लें तो उसमें डिफिशियंसी आपको या इंसफिशियंसी जरूर मिलेगी। तो इसीलिए हमें जो है उसके लेवल पे डिपेंड करता है, सीवियरिटी कितनी है डिफिशियंसी की, तो उस हिसाब से ये लक्षण हमें महसूस हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कमी हो सकती है, या आप तो अपने डॉक्टर को बताएं सबसे पहले, आपको खुद टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर को बताएं, अगर उन्हें ये चीज़ लगेगी, महसूस होगा कि आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो वो टेस्ट करवाएंगे। और उसके बड़े सारे क्राइटेरिया हैं, पैरामीटर्स हैं, ये सफिशियंसी कब कहेंगे, इनसफिशियंसी कब कहेंगे, और डिफिशियंसी कब कहेंगे, किस किस कट ऑफ लेवल्स जो होते हैं उनके नीचे कब कब क्या बोलेंगे, तो और सीवियर डिफिशियंसी कब बोलेंगे। और
जब डॉक्टर ये टेस्ट में आ जाता है, हमारे पास ये टेस्ट अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह विटामिन डी के लिए। उसके बाद रिपोर्ट पे अगर आपको आती है डिफिशियंसी, तो उसके लिए दवाइयां हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, जो अभी हमारे बहुत सारे कुछ मतलब डॉक्टर्स भी हैं और बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर विटामिन डी डिफिशियंसी है बहुत, तो उसको हम जल्दी से ठीक कर दें इंजेक्शंस के, पैरेंटल थेरेपी के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें इंजेक्शंस यानी पैरेंटल थेरेपी का कोई रोल नहीं है, विटामिन डी डिफिशियंसी में कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओरल जो है थेरेपी दे के, टैबलेट्स और कैप्सूल्स के माध्यम से भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसमें इंजेक्शंस का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर आपको बोलता है तो उस पर एक बार आप उनसे कहिए कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है। और कोई भी अगर मतलब जानकार है इस विषय का, विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, तो आपको ऐसी वैसी भी सलाह नहीं देगा। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद भी इसको जानकारी रखिए कि इसमें इंजेक्टेबल थेरेपी का कोई रोल नहीं है। कैप्सूल्स आते हैं हमारे पास जो आपको डॉक्टर आपको लिखेगा, कितनी डोज होती है, कैसे होती है, सब आपको डॉक्टर बताएगा और उसकी सलाह से ही खाना है। कभी भी खुद से लेके, खुद से टेस्ट करा के आपको नहीं लेना है, क्योंकि विटामिन डी की एक्सेस यानी अधिकता से भी दिक्कत हो सकती है, जिसको हम लोग हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। उसकी वजह से भी आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है अगर शरीर में ज्यादा हो गया विटामिन डी का लेवल। तो इसीलिए खुद से लेके नहीं खाना है। डोज जो होती है विटामिन डी की, वो हर एज ग्रुप के लिए, हर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, वृद्ध के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो लैक्टेटिंग महिलाएं हैं, उन सब के लिए अलग अलग डोज निर्धारित की गई है और उसके हिसाब से ही डोज आपको डॉक्टर आपका देगा। तो इसलिए उसके सलाह से चलिए, कोर्स जो भी बताया जा रहा है उसे पूरा करिए और खाने पीने में अपने न्यूट्रिशन को अच्छा बनाइए। हरी साग सब्जियां खाइए, दूध पनीर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यूज़ करिए। प्रॉपर 10 मिनट दिन में भी सनलाइट में एक्सपोजर में आप जाएं तो बहुत है आपके शरीर के लिए। तो ये है विटामिन डी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें और जो मिथ्स कुछ कुछ थे जो मैंने आपको बताए। और विटामिन डी को बहुत बड़ा मतलब एक उसका आजकल वो चल रहा है, हर कोई विटामिन डी का ये है वो, मतलब टेस्ट कराइए हमेशा, खुद से जाके करिए, हो सकता है आपको कमी हो, ये दवा लीजिए हर चीज़ में। ऐसा नहीं समझना है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए, उस पर ध्यान देना है, लेकिन सिर्फ अपनी डॉक्टर की सलाह से। आपको खुद से कोई भी लैब में, किसी भी पैथोलॉजी लैब में जो पैकेज दे रहे हैं, जो भी उसमें जाके टेस्ट खुद से नहीं कराना है, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कमी है कि नहीं है, कि किस लेवल की कमी है और दवाइयाँ कैसे लेनी है। खुद से नहीं लेनी है बिना आपके डॉक्टर की सलाह के। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो, मेरी ये जो टॉक है आपके लिए कुछ भी फायदेमंद रही होगी विटामिन डी के को लेके। और अगर आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए, कोई और भी मन में संदेह है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मैं फिर से प्रस्तुत हूँगा। नमस्कार।